आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले जीबी डेटा की कीमत 250 रुपया थी, आज सिर्फ 10 रुपया, आज सिर्फ 10 रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज 20 जीबी का उपयोग करता है। अगर उस हिसाब को मैं लगाऊं तो एवरेज एक व्यक्ति का 5000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 5000 रुपया बचता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जन औषधि स्टोर आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार, उसको अगर परिवार में सीनियर सिटीजन है, डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो 1000, 2000, 2500, 3000 की दवाई हर महीना लेनी पड़ती है। जन औषधि केंद्र में जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि में 10 रुपये 20 रुपये मिलती है। आज 20,000 करोड़ रुपया मध्यम वर्ग का जन औषधि के कारण बचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्ग के परिवार की एक सपना रहता है खुद का घर बने, और अर्बन इलाके में होम लोन के लिए बड़ी व्यवस्था करने का काम हमने किया, और रेरा का कानून बनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्व मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को सालों तक डुबो कर रख देते थे, उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विश्वास देने का काम हमने किया, और उसके कारण खुद का घर बनाने की उसकी सहूलियत बढ़ गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर मध्यम वर्ग के परिवार को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसके उच्च शिक्षा के लिए उसके मन में रहता है, मनसूबा रहता है, वो चाहता है आज जितनी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, सीटें बढ़ाई गई हैं, उसने मध्यम वर्ग के एस्पिरेशन को बहुत उत्तम तरीके से एड्रेस किया है, उसको विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्धारित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की तरफ गए बिना कोई चारा नहीं, और समय की मांग है कि अब समय नहीं गवा सकते, और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है। और ये भी माने स्वीकार होगा, भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखंड के पहले, यह देश आर्किटेक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया में उसकी ताकत थी, पहचान थी। गुलामी के कालखंड में सारा नष्ट हो गया, देश आजाद होने के बाद वो दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा थी, लेकिन वो भी समय बीत गया जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस स्केल से होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस दशक में देखा जा रहा है। सड़क हो, समुद्री मार्ग हो, व्यापार हो,